Hey Cosmic Army, welcome back to another episode of Cosmic Battle Royale. तो आज के बैटल में हम भिराने वाले हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड से फैंटम राइडर को. और एक बार ये वीडियो भी पहले के बैटल्स की तरह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. इसका रिक्वेस्ट किया है याद नहीं है यार, छोड़ना, मेरे को पता चल गया इसको बनाना है बोल के. तो पहले बात करते हैं हम फ्रैंकलिन रिचर्ड की. ससुरा, ये मार्वल का समुनो पावरफुल सुपर हीरो है, आई मीन सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो ये फर्स्ट नंबर का बंदा है. इसके पास रियलिटी रैपिंग पावर्स और सभी सुपर हीरोज की तरह वही जुगारू, मतलब कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है. ससुर कितनी आइटम्स खोल के घूमेगा बे, जो भी हो. कुछ इसके कुछ कारनामे इस प्रकार हैं. इसने गैलेक्टस को अपना पालतू बना लिया. बस इतने में सोच लो भाई कितना पावरफुल है. अपने ही एक रूम में इसने यूनिवर्स क्रिएट किया है. बहुत हार्ड है ना. अब एक बार ब्लैक बोल्ट के साथ इसने एक ऐसा रूम क्रिएट किया जिसमें ब्लैक बोल्ट आराम से बोल सकते हैं. बहुत हार्ड बात है. या ब्लैक बोल्ट का मुंह को साइलेंस कर दिया. ये सेलेस्टियल्स ने भी कहा है कि ये एक गॉड लेवल के पावर्स को रखता है. पर कॉमिक्स में हमने इसके पावर्स को अच्छी तरह बताया नहीं है. क्या कर सकते हैं ससुरा, कुछ ना कुछ तो कर्म कांड हो जाएगा, नहीं तो ये भी होने में बॉल बन जाता. तो चलो बात करते हैं फैंटम राइडर की. तो ये कैरेक्टर डीसी के पास है. इसके भी कई पावर्स हैं, मैजिकल मैटर्स, रियलिटी रैपिंग पावर्स और भी बहुत कुछ जैसे मैंने आपको पहले बताया था. लेकिन इसके एक खास पावर है, ये वो हवा में मुटका मारता है ना जिसको लगता है, जो मतलब वो अपने आप इंडिविजुअल पंचेस बोल के वैसे कुछ, हाँ वैसे ही कुछ है. तो इसके कुछ कारनामे, इसने फुल पावर स्पेक्टर को हराया है. ये एक ऐसे भूटिया एरा से आया है जब लोगों को भूटिया कॉमिक्स पढ़ना बहुत हार्ड लगता था. ये किसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय तो कर सकता है पर उसे क्रिएट नहीं कर सकता. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्रैंकलिन रिचर्ड इस कॉस्मिक बैटल रॉयल का विनर है. आई बजाओ ताले.